श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरु जी द्वारा वाची जा रही मंदोदरी शिव महापुराण कथा जो कि आज मंदसौर से प्रारंभ हुई है। ये कथा आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर लाइव आ रही है जिसका प्रसारण समय 2 बजे से 5 बजे तक है। आज कथा का प्रसारण अपने निश्चित समय पर नहीं था क्योंकि आस्था चैनल की सेटिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए कथा का लाइव प्रसारण थोड़ी देर से हुआ। आज मंदोदरी शिव महापुराण के पहले दिन की कथा में गुरु जी ने जो जानकारी और उपाय दिए हैं वो इस प्रकार है। गुरु जी ने बताया कि बेलपत्र के वृक्ष का जब रोपण किया जाता है उसे सबसे पहले बेल वृक्ष के पौधों को आप अपने घर के गमले में लगाएं, अच्छी तरह से उसकी देखरेख करें और समय समय पर खाद पानी दें। जब वह आपके बराबर हो जाए उसे ऐसी जगह पर लगा दीजिए जहां उसका उपयोग हो सके, जनमानस उस वृक्ष का लाभ उठा सके। इस प्रकार बेल वृक्ष लगाने से हमें 1000 गुना फल मिलता है और उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। कल है नवरात्रि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि या नवरात्रि का दूसरा दिन भी है। इस दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपाय हैं। जिन लोगों को बोलने में बहुत तकलीफ होती है, जिनकी स्वर शक्ति कमजोर है, वह व्यक्ति अगर द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो समस्त विकार समाप्त हो जाते हैं। द्वितीया तिथि को चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति का रोग ग्रसित नहीं। द्वितीया तिथि से जुड़ा दूसरा उपाय है, जिन लोगों के पेट किडनी सोरायसिस या बड़ा रोग हो गया है तो उन लोगों को चंद्र दर्शन करते समय चंद्रमा को कच्चे दूध का छींटा देना चाहिए और सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। चंद्रदेव को छींटा देने के पास वही चंदन आप अपने शरीर में लगा लीजिए और जिन लोगों को चर्म रोग है वही चंदन प्रदोष काल के समय लगाना है। स्वयं महादेव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया है इसलिए वे हमारे सारे रोग हर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।